लिखा है गुजरात का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। और यहाँ से ये पूरा विलेज है जहाँ से चिमेर वाटरफॉल जा सकते हो। हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग। गाइज, आज के इस वीडियो में आपने जैसे कि देखा, हम आए हैं चिमेर वाटरफॉल पे। और यहाँ पर आने के लिए हमने जर्नी शुरू की सोनगढ़ से। सैटरडे का दिन और बारिश का मौसम और रास्ते कुछ ऐसे थे। गाइज, ये है रास्ता चिमेर वाटरफॉल जाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है 327 फीट हाइट ये चिमेर वाटरफॉल, और लिखा है गुजरात का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। यहाँ से जाना है अंदर, और वहाँ पर पार्किंग वगैरह है। आप अगर संडे को आते हो तो पार्किंग वहाँ पर करना पड़ेगा, और उसके बाद चलते हुए ट्रैकिंग करते हुए वहाँ पे वाटरफॉल पर आप जा सकते हो। और यहाँ पर देखिए, गाड़ियाँ वगैरह बहुत आती है, तो आपको संभाल के रास्ते पे खड़ा रहना पड़ेगा। पूरा बोर्ड लगाया है। ये साइड पे आप सुबिर जा सकते हो, और ये साइड पे आप सोनगढ़ से आ सकते हो। तो अभी यहाँ से चलते हैं चिमेर वाटरफॉल पे, और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का व्यू कैसा है। तो आइए चलते हैं चिमेर वाटरफॉल। गाइज़ देखिए, ये चिमेर जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर इस तरह से ये बंद है। हमने यहाँ पर ये गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है अभी रोड पे। आगे पता नहीं यहाँ से जा सकते हैं कि नहीं। ऐसे लग तो रहा है यहाँ से गाड़ी निकल जाएगी। इस तरह का ये रास्ता है। थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। यहाँ से काफ़ी पानी गया है, इसीलिए ये दोनों साइड आप देख सकते हो कि बहुत सारा पानी यहाँ पर गया हुआ लग रहा है। ये ऐसा है, तो निकल तो जाएगा शायद। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. चिमेर वाटरफॉल जाते वक्त रास्ते में यहाँ पर एक छोटा सा और वाटरफॉल आता है, जो ऐसे लार्ज साइज में दिखाई दे रहा है। लार्ज साइज में व्यू है उसका, वहाँ पर है। और उसकी ये प्रॉपर रिवर जो है वो सामने चिमेर वाटरफॉल जा रही है। अभी बारिश बहुत ही ज़ोर से यहाँ पर आने वाला है, और मैं आपको यहाँ से थोड़ा बहुत वो वाटरफॉल जो है वो यहाँ से दिखा दूँ। ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, और सामने यहाँ पर पानी गिरता है, वहाँ पर से भी पानी गिरता है, तो ये थोड़ा सा आपको दिख पाएगा यहाँ पर। लेकिन ये भी वाटरफॉल ऐसे लार्ज साइज़ में है, और गिरता है वो थोड़ा सा छोटा है, पर आवाज़ इसकी बहुत ही ज़्यादा आती है। अभी यहाँ पर जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है। बाकी मैं यहाँ से आपको ड्रोन का एक बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाने वाला था। और ये है गुजरात का सबसे लंबा, सबसे ऊंचा वाटरफॉल। यहाँ पर एक साथ तीन वाटरफॉल हमें दिखाई देते हैं। एक ये साइड पे है, एक राइट साइड पे है, और पूरा खाई जैसा यहाँ पर व्यू है। अभी अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो एक काफी अच्छा यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस होने वाला है। सब लोग गाड़ियाँ लेके यहाँ पर आ सकते हैं। इस तरह का यहाँ पर रोड है वगैरह यहाँ पर बना रहे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।
अभी बारिश का मौसम है तो यहाँ पर जो पानी है वो बहुत सारा अभी आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर दो हमें देखने लायक मिल रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो आइए यहाँ से एक ड्रोन का नज़ारा देख लेते। तो ये किमेर वाटरफॉल यहाँ से गिरता है और उसके एग्जैक्ट सामने यहाँ पर वो बड़ा वाटरफॉल गिरता है। यहाँ से ये वाटरफॉल गिर रहा है और ये रहा ऊपर वो बड़ा सा वाटरफॉल, सामने ये बड़ा वाटरफॉल है और इसका ड्रोन से बहुत ही अच्छा नज़ारा आता है। और ये जो पानी वहाँ चेक डैम से आ रहा है वही पानी यहाँ से होकर गिर रहा है और यहाँ से ही वो सामने वाला एक वाटरफॉल दिख रहा है, बाकी का वाटरफॉल नहीं दिखेगा। सो गाइज यहाँ से चलते हैं। देखिए इस तरह की ये ग्रिल बनाई है यहाँ पर ताकि सेफ्टी रहे, लोग यहाँ पर ये ग्रिल से यहाँ पर खड़े होके पूरा यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं, व्यू देख सकते हैं। और ये प्रॉपर ग्रिल यहाँ पर बनाई है, फिक्स बनाई है, वेल्डिंग कर की हुई, तो यहाँ से आगे नहीं जा सकते। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का ये एक व्यूइंग पॉइंट बनाया है और बेंच वगैरह है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। छुट्टी हो गई आज, छुट्टी हो गई हाँ। तो वहाँ से प्रॉपर जो किमेर वाटरफॉल है उसका व्यू आता है सामने, देखिए तो आपको व्यू दिखेगा किमेर वाटरफॉल का प्रॉपर व्यू। इस तरह से ये यहाँ पर व्यूइंग गैलरी, व्यूइंग पॉइंट बनाया है जहाँ से आप पूरा वाटरफॉल देख सकते हो। और ये साइड पे इस तरह की यहाँ पर बेंच लगाई है जहाँ पर आप बैठ सकते हो। ये पूरा यहाँ का जो वन विभाग है जिन्होंने ये सब डेवलप किया है। सो इस तरह का ये रास्ता है पूरा, यहाँ से हम आए और दूसरा जो वाटरफॉल है वो यहाँ से गिरता है। टोटल तीन वाटरफॉल है, उसमें से एक वाटरफॉल यहाँ से गिरता है। गिरता हुआ दिख रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ओके थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो वहाँ पे हम रिस्क तो नहीं ले रहे। यहाँ से थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ। सो तीन वाटरफॉल में से एक जो बीच वाला वाटरफॉल है वो यहाँ से गिरता है। और ये अभी यहाँ पर ब्रिज है, जो पुल है उसका काम यहाँ पर चल रहा है। थोड़ा सा बारिश ज़्यादा आया तो ये सब यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी बह गई है। ये साइड पे भी आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे पत्थर वगैरह है और उसके ऊपर यहाँ पर ग्रिल बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस चेक डैम में इस तरह से पानी जो है वो स्टोरेज होता है। ये जो पूरा वाटर है वो वहाँ से वहाँ होके सामने जो खाई है वहाँ पर गिरता है और प्रॉपर वाटरफॉल बनता है। और देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई है और पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो गाइज यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं गिरमल वाटरफॉल। सबसे पहले हमने ये किमेर वाटरफॉल लिया है और यहाँ तक आने के लिए प्रॉपर रास्ता अभी ये बन रहा है, उसके बाद यहाँ तक हम आ सकेंगे। पहले कैसा था कि गाड़ी जो है वो हाईवे पर ही छोड़नी पड़ती थी और वहाँ से यहाँ पर आना पड़ता था, लेकिन
अभी यहाँ पर कुछ बन रहा है, डेवलप हो रहा है, तो यहाँ तक आप गाड़ियाँ लेके आ सकते हो। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा धोध है, बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है। आइए एक ड्रोन का नज़ारा देख लेते हैं। सो गाइज, ये था ब्यूटीफुल चिमेर वाटरफॉल, जहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और जो तीन वाटरफॉल है उनको देखने का काफ़ी अच्छा मज़ा आया। आपको भी ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही काफ़ी सारे गुजरात के वीडियो, जो गुजरात के प्लेसेस के वीडियो है, वो हमने इसी चैनल पे दे रखे, तो आप जरूर से उसे भी जाकर देख सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं और एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।